सीहोर कैसे पहुँचे और वहाँ पे क्या पोजीशन है, कितनी क्या भीड़ भाड़ है, सावन में कैसा माहौल है सीहोर का, ये जानोगे इस वीडियो में। और वहाँ पे रुद्राक्ष मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं तो क्या समय से मिल रहे हैं, क्या टाइम है, किस टाइम लगोगे तो आपको जल्दी रुद्राक्ष मिल जाएगा, और कंडीशन है रुद्राक्ष देने की, ये सारी जानकारी सारी वीडियो में मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, कितनी क्या भीड़ भाड़ है सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, इस एक वीडियो में सीहोर जाने से लेके वहाँ की पूरी कंडीशन और साथ में आप रुद्राक्ष के लिए क्या टाइम से आप लगोगे तो आपको जल्दी मिलेगा, क्या टाइम है रुद्राक्ष बटने का, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, देखने वाले हो आप इसमें लाइव। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैं हूँ अभी हाल फिलहाल इंदौर स्टेशन पे और मेरी ट्रेन आने वाली है यहाँ पे। मैं बैठने वाला हूँ यहाँ पे 11 बजे वाली ट्रेन में, जो कि 11:15 बजे यहाँ से निकलती है, तो वो सीहोर पहुँचा देगी 4 बजे के समथिंग, ठीक है। और बाकी इंदौर से अगर आप बैठते हो तो आपको 3 ट्रेनें मिल जाती है, जैसे कि 1:30 बजे पंचवली आती है, उसके बाद में 1:30 बजे की ट्रेन रहती है जो कि 8 बजे पहुँचा देती है, और एक मैं 11 वाली में बैठ रहा हूँ जो कि सुबह 4 बजे मेरे को सीहोर उतार देगी। तो हम चल लेते हैं यहाँ से सीहोर के लिए, ठीक है। यहाँ देखोगे तो सीहोर स्टेशन पे मैं उतर गया हूँ जो कि 4 बज रही है, 4:15 के टाइम यहाँ पे हो रहा है, और देख सकते हो कितना अच्छा माहौल है फिर भी 4:15 बजे का सुबह का। यहाँ पे देख सकते हो सीहोर स्टेशन है ये, और यहाँ पे अगर आप निकलते हो तो मैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरा हूँ, अगर 1 नंबर पे उतरता तो उस साइड आता, मैं 2 नंबर पे उतरा हूँ तो थोड़ा सा इधर का क्या रहता है कि अगर इधर से रिक्शे में बैठ के अगर आप जाते हो तो आपसे 10-1 रुपये ज़्यादा लेते, और उधर से जाओगे आप 1 नंबर से तो थोड़ा सा कम हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो रिक्शे से भी खड़े हुए, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों रिक्शे में तो बैठ गया हूँ, और यहाँ पे जो रिक्शे का जो प्राइस है एक जने का, वो 40 रुपये है सुबह का पे चार्ज कर रहे हैं, बाकी 30 रुपये में आराम से लेके चले जाते हैं, मतलब एक साइड से, ठीक है, एक एक सवारी को, है ना। और आप बात करोगे तो आप 100 रुपये में 4 जने भी जा सकते हो, बाकी 30 रुपये तो एक सवारी लेते ही है उधर से आओगे तो, और 40 रुपये रात के ले लेते ही है तो दे देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहुँच रहे हैं अभी वहाँ पर, यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमको इसने सीहोर उतार दिया है, यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा पहले ही उतार दिया कोने पे, इधर पीछे वाले गेट की तरफ उतार दिया है, क्योंकि उस साइड से अगर जाते तो थोड़ा पानी भरा हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पे अच्छा पानी गिरा है, तो इसलिए क्या है कि रिक्शे में ज़्यादा जने भर रखे थे इसने भाई ने, तो उस चक्कर में क्या है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ के चक्कर में, मतलब कि कोई खड्डे उड्डे ना हो, इसके लिए इसने यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम पैदल चल रहे हैं, ये देख सकते हो मेन गेट है, और यहाँ से एंट्री हो गई अंदर, और ये देख सकते हो माहौल जो कि अभी 5 बज रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये सीहोर का नज़ारा रात का देख सकते हो अभी यहाँ पे, तो अभी भीड़ भाड़ तो नहीं है क्योंकि सुबह का समय है, धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ भाड़ होते चली जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो नहाना है तो आप यहाँ पे नहा सकते हो, ये तो फिलहाल पीने का पानी का है, बाकी सुबह सुबह लोगों ने यहाँ पे नहा लेते, तो आप यहाँ पे जाते से सबसे पहले क्या करो, नहा लो, नहा धो के रेडी हो जाओ, और सबसे पहले जाके आप पूजा कर लो। पूजा आप यहाँ पे कहीं भी कर सकते हो, इससे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी मंदिर क्या कर रखा है वहाँ से बंद कर रखा है, वहाँ पे बहुत कीचड़ कर रखा है अभी मंदिर के लिए, तो बंद कर रखा है, काम चल रहा है यहाँ पे, बिहार अधूरा काम है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जने बैठ बैठ के पूजा करते मंदिर की तरफ मुँह करके, तो आप भी यहाँ पे मंदिर की तरफ मुँह करके पूजा कर सकते हो, ठीक है। दुकाई भी पूजा करोगे, पूरे जगह पवित्र पहाड़िया है, तो आप कहीं भी पूजा कर सकते हो अपने श्रद्धा से भक्ति से, ठीक है। और 108 बार आपको जप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, है ना, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। और जो भी आपकी मनोकामना वो बोलो, यहाँ से प्रसाद मिल जाता है बाहर, 40 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये की पुड़िया देते हैं, जिसके अंदर नारियल और ये बिलपत्ती वत्ती दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो भी ये कंकु हल्दी जो भी आप चढ़ाते हो वो आप लेके आ जाना, और नहीं तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है, चावल वावल, है ना। तो यहाँ पर हमारी पूजा वूजा हो गई थी, अब हमने यहाँ पर क्या करा, चाय वही पी ली थी, और चाय पीने के बाद अब हम लगते हैं लाइन में, काई की लाइन में यहाँ पे बटेंगे रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष के लिए दोस्तों अलग से व्यवस्था कर दी है, ये जो मंदिर के साइड में जब आप बाहर निकलोगे मंदिर से, ठीक है, मेन गेट से, तो मेन गेट से सीधा हाथ पे अगर आप मुड़ोगे तो थोड़ा आगे जाओगे, वहाँ से मंदिर के किनारे से इनने रास्ता करा है, जिससे लाइन अलग से बना दी है यहाँ पे। तो इस लाइन से यहाँ पे सुबह लाइन लगती है, सुबह 6 बजे से लोगों यहाँ पे खड़े हो जाते हैं रुद्राक्ष के लिए, और जो टाइम होता है ना रुद्राक्ष का बटने का, वो होता है 10 बजे से 5 बजे तक। बाकी आप कितनी भी जल्दी चले आओगे तो आपको, मतलब जितनी जल्दी जाओगे उतने आगे रहोगे, और जितनी लेट जाओगे उतने पीछे हो जाओगे, ठीक है। बाकी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे के पहले वो चालू करते नहीं है, है ना। तो जो सिंपल जो लाइन रहती है वो 10 बजे पहले, तो आपको यहाँ पे 9:15 बजे तक, 9:30 बजे तक तो आपको बाहर ही रखते हैं ये साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। अगर पानी वानी भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छाव हुए बरसाती लगा रखी है ना, तो वहाँ थोड़ा सा हल्का फुल्का कीचड़ टाइप का रहता है, हल्का सा रहता, मतलब अगर पानी ज़्यादा आए तो, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद 9:15 बजे, 9:30 बजे रास्ता खोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसी 5-6 लाइनें बना दी है, जो कि सिस्टोमेटिक है, एक एक आदमी के लिए ही है,
तो यहाँ से सीधे सीधे आप अंदर चले आओगे। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि मैं जब सुबह 7 बजे अगर मैं यहाँ पे गया था, यहाँ देख सकते हो 7 बजे का समय, और देख सकते हो 7 बजे भी कितनी भीड़ है यहाँ पे देखोगे तो आप, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो ये 8:15 बजे का टाइम है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें जो भीड़ है वो 4 गुना बढ़ चुकी थी 1 घंटे के अंदर। और 9 बजे का टाइम भी काफ़ी भयंकर हो गया था यहाँ पे, तो 9 बजे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे। यहाँ देख सकते हो ऐसा करके ये थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब ये 9:15 बजे 9:30 बजे रास्ता खोल देते हैं तो अंदर यहाँ पे भी लाइन में लगना पड़ता है, जो कि अच्छी खासी लाइनें रहती है, 6-7 लाइनों में बांट देते हैं लोगों को, और सिस्टोमेटिक सिंगल सिंगल यहाँ पे चलने लग जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कई ज़्यादा भीड़ है और अच्छा माहौल है यहाँ पे, जो कि सुबह लगे तो भी देख सकते हैं इतना भीड़ भाड़ है ना। तो आपको ध्यान रखना, बच्चों को लेके आओ तो ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाएंगे भीड़ भाड़ में, है ना। तो आप बच्चों को ना लाओ तो ज़्यादा अच्छा, अगर रुद्राक्ष लेना हो तो, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ऐसा करके यहाँ से चलना है, अभी लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे से चलना रहेगा। और उसके बाद में यहाँ देखोगे तो अलग अलग कपाट यहाँ पे बांट दिए, जैसे कि आप बोट डालने जाते हो, बोटों के जो खाने रहते हैं इस टाइप के यहाँ पे कर दिए है। और ये जो टाइम देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे किस टाइप से दे रहे हैं रुद्राक्ष, आपके हाथ पे कलर लगाएंगे, और कलर लगा के सामने जो काउंटर है वहाँ से आपको रुद्राक्ष लेके ही बाहर होना है। अगर आप बिना उसके निकल जाओगे कलर लगवा के, तो आपको रुद्राक्ष नहीं देंगे और वो मना कर देंगे वापस अगर अंदर आ गए तो आप, ठीक है। तो आपको वहाँ से कलर लगाते से पीछे मुड़ के सामने देख सकते हो यहाँ पे काउंटर, उन पर रुद्राक्ष दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ से काउंटर पे से रुद्राक्ष लेके ही बाहर जाना है। अगर आप ऐसे चले गए और वापस आके आपने बोला कि यार मेरे को रुद्राक्ष नहीं मिला, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि पहले ही वो अलाउंस कर देते हैं, क्योंकि लेडीज़ जो होती है वो ज़्यादातर यही बातें होती है, चक्कर में क्या एक एक दो दो ले लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने साफ कर रखा है, माइक में बोल देते हैं कि अगर आप यहाँ पे हाथ पे कलर लगा और रुद्राक्ष लेके आगे आगे निकल गए तो ठीक है, और अगर नहीं निकले रुद्राक्ष लेके तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप कोई भी जा रहे हो ना, हाथ में कलर लग के पीछे घूमना, आपको देखना काउंटर पे से रुद्राक्ष लेके ही आगे बढ़ना, नहीं तो मत बढ़ना, ठीक है, नहीं तो आपको रुद्राक्ष नहीं दिया जाएगा। और वैसा करके हम यहाँ पे बाहर आकर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रुद्राक्ष ले लिया है, मेरे साथ में भी एक भाई था जिनके यहाँ रुद्राक्ष देख सकते हो, तो ये हमने रुद्राक्ष ले लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 11:30-11 बजे का समय है। अपने मंगलसूत्र, चेन, पर्स, बैग, पैसे इत्यादि सामान की स्वयं हो जाने पर समिति की जवाबदारी नहीं रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11:30 बजे का समय है, और ये देख सकते हो कितनी भीड़ हो चुकी है, जो कि सुबह की आपको मैंने भीड़ बताई थी 6-7 बजे के टाइम की। और अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे शिव बत्ती पूजा पाठ यहाँ पे आप कर सकते हो, देख सकते हो कितनी भीड़ हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी भीड़ है, बढ़िया हो गया यहाँ पे, मतलब ये तो सुबह 10-11 का समय है, अभी तो धीरे धीरे और बढ़ जाएगी भीड़। और इधर की साइड पे देखोगे तो यहाँ पे खाने वाने की भी व्यवस्था है, इधर खाना भी चालू हो जाता है सुबह के टाइम, ठीक है, 9-10 के बाद यहाँ पे खाना भी चालू हो जाता है, तो इधर खाना भी आप लग सकते हो, लाइन में लग के खा सकते हो, सुबह शाम खाना फ्री है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे खा भी सकते हो। रुकने की भी व्यवस्था है यहाँ पे, सामने 3 ऊन है, जो कि यहाँ पे आप अच्छा खासा रुक सकते हो, वहाँ पे गद्दा आपको दे देते हैं, तो 1000-1500 लोगों ने आराम से वहाँ पर रात को क्या कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और बढ़िया ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बना रखा है, और अच्छी व्यवस्था है, लगभग ठीक ठाक व्यवस्था आपको मिल जाती है, कॉम्प्लेक्स वॉम्प्लेक्स भी बना रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।